छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में संविदा पद पर पदस्थ सभी कर्मचारियों को सत्ता शासन आने के 10 दिन के अंदर नियमितकरण करने का वादा करने वाली छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अपना वादा पूरा नहीं करने पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर NHM कर्मचारियों के द्वारा बीते 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। वहीं अंबिकापुर मुख्यालय में 350 NHM कर्मचारियों ने जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को अपना सामूहिक इस्तीफा दिया। साथ ही बर्खास्त हुए कर्मचारियों के बर्खास्तगी को शून्य करने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि शासन के गाइडलाइन के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। नहीं, मुझे तो ये नहीं जानकारी है कि उनकी क्या मांग है, क्योंकि मेरे को जहाँ तक ये सुना हूँ नियमितीकरण की बात कर रहे हैं उन लोग, उनको उसके लिए उन लोग हड़ताल में हैं और उनमें से लगभग 273 लोग हड़ताल में हैं जो मेरे पास सूचना है, और उसमें से अभी उनके कुछ नेता लोग आए थे, उन्होंने बोला है कि सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। संख्या कितनी है? कितनी संख्या? हमारे पास क्या बोला गया? हमारे पास जो सूचना है वो 273 की है, और अभी उन लोगों का जो आवेदन पत्र आएगा उसके हिसाब से बता पाएंगे। उनके इस्तीफा को मंजूरी दिया जाएगा कि मंजूर किया जाएगा? नहीं, नेचुरली अगर कोई काम नहीं करना चाहेगा तो किसी को जबरदस्ती रूप से काम नहीं कराया जा सकता, तो जैसे भी होगा उसका शासन से गाइडलाइन प्राप्त करते हुए कार्रवाई की। जिले में लगभग कितने संख्या में है संविदा कर्मचारी? 417। सर अगर देते हैं तो इनकी भरपाई कैसे होगी सर ये कोरोना काल के? नहीं, अगर शासन का निर्देश आएगा तो हो जाएगी। उसमें अभी हमने किया है 20 स्टाफ नर्स को, 20 लेबर असिस्टेंट को और 20 वार्ड बॉय को। ठीक है सर, कितना काम प्रभावित होगा सर अगर ये लोग अभी चले जाते हैं? देखिए, मेन पावर के जाने से वर्तमान में हमारे पास जो कोरोना का संक्रमण है हमको निपटना उससे है, और हमारे ये चूँकि रेगुलर इम्प्लाई हैं, इसमें अधिकांश सेकंड NM है, लगभग 200 से 250 के लोग हमारे सेकंड NM हैं और 50-60 लोग स्टाफ नर्सेज हैं, तो ऑलरेडी वो हॉस्पिटल में हैं, तो इससे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला नहीं। मेरा नाम प्रवीण वर्मा है ना, मैं जिला सरगुजा का जिला अध्यक्ष हूँ, और जब हड़ताल हुआ था पिछले बार तो उसमें बाबा के द्वारा कहा गया था कि 10 दिन के बाद नियमितीकरण दिया जाएगा, जो आज 2 साल हो गया है नियमितीकरण नहीं दिया गया है, और हमारे कई भाई बंधु लोगों को बर्खास्त किया गया है, उसके चलते हम लोग सब कोई अपना यहाँ इस्तीफा दे रहे हैं। इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? अभी तक नहीं किया गया है, देने जा रहे हैं। 350 लोग हैं और सारे भाई और जो बचे हुए हैं सभी वापस आ जाएंगे हम लोग के साथ। क्या मांगे हैं मुख्यतः? नियमितीकरण एक ही मांग है, दूसरा कोई मांग नहीं। ठीक।